बाद की बात आई।
वो सामने खड़े हैं, कौन से पैसे चढ़ा दिए उनको, हम घर बैठे हैं, वो अभी आए। नहीं तो वो बताएं, मेरी सास ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है ना, मैं नहीं बता सकती अब कुछ भी। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਅਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾ ਰਹੂੰਗੀ ਕਹਾਂ ਰਹੂੰਗੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਦੇਖ ਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਅਭੀ ਨੇ को हुई थी और मैं उसको 4 साल पहले से जानती थी, ठीक है ना। और उसके बाद में हम दोनों का अफेयर चला, उससे पहले मेरा ही मेरे पति ने डिवोर्स करवाया और 7 लाख रुपए की मांग करवाई, 8-7 लाख रुपए की। उसके मेरे पास प्रूफ भी हैं, पर फिलहाल कहीं और रखे हुए इनके डर के मारे, ठीक है। जब मैं इनको बोलती थी, मैं जब इनके घर में आती थी 2 साल पहले से मैं इनकी मम्मी पापा को जानती, उस चीज का भी मेरे पास प्रूफ है। 1 साल से इनकी बहन भी मेरे से बात करती है, सारी मैसेज चैट भी पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैंने लड़के से बोला मुझे शादी करनी है, उसने मेरे से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने बोला 4 साल से फिर क्या करवा रहे थे मेरे साथ में। फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं तू भाग निकल यहाँ से, मेरे पे झूठे झूठे नाम लगे, गैस खोल दी, ये कर दी, मेरी रिकॉर्डिंग करी इन्होंने, मुझे घर में बुला के नशे की दवाई देके, ठीक है ना, खाना खिलाया इन लोगों ने मेरे को, इन्होंने मुझे खाना खिलाया। आप ये बताइए कि 4 साल से आप नेहा छोड़ के आई है, मेरे पास चीज की रिकॉर्डिंग है, और नेहा छोड़ के आई है मुझे, और मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कौन मुझे वहाँ घर तक छोड़, मेरा पर्स भी यहाँ रह गया था, इन लोगों ने मेरा पर्स भी छिपाया। और मैंने फोन किया, आज क्या हुआ तो ये आज इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जब मेरी शादी हो रखी है मेरे पति से और इनके लड़के से, मैं कहाँ जाऊंगी आप मुझे ये बताए, ना मेरे पास खाने को पैसे, ना मेरे पास रहने को पैसे, आप बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं पता मेरा पति कहाँ भेजा हुआ है। आप ये बताओ कि 4 साल मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, देखो मेरी सास क्या कह रही है। 4 साल आप उनके तख्त में रहे, क्या पहले आपकी शादी हो रखी थी क्या? हाँ मेरे पति ने मेरा डिवोर्स कराया और पैसों की मांग करवाई है। मतलब क्या आपका अफेयर था या क्या? नहीं मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं था, बस मैंने डिवोर्स ले लिया। ये इस लड़के ने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा, वो भी पंडित और मैं भी पंडित, जो करण है मेरे इस टाइम पति, ठीक है। वो फिर पैसे खाता रहा डिवोर्स के लिए, मैंने बोला शादी कर करा, मैं तेरे को टॉर्चर कर दूंगा, तू डिवोर्स ही है, मेरी मम्मी तेरे को 1 मिनट नहीं रखेंगी। इन्होंने गायब करवा दिया लड़का, मैं इनके पास आई, मैं कहा आंटी करण का, कहती तूने गायब किया मेरा मुंडा। जो ये आपकी शादी हुई थी परिवार की रजामंद की रजाम, जब SHO पे बयान देके आए हैं, इनके चाचा जी सिग्नेचर करके आए हैं, मैंने पर्चा दर्ज करवाया बलात्कार की धारा से बचने के लिए, मेरे से शादी कर ली, पूरी प्लानिंग करके इन्होंने करवाई, इनके चाचा ने करवाई, अब मेरे पे मेरी फोटो क्रॉप कर करके कहते हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं?
इसके साल लगभग एक दो या चार महीने का समय लगा, ठीक है। उसके बाद इसने ये लड़के के साथ इसके कोई चक्करबाजी थी लड़की की, हमें कुछ नहीं पता जी। और इस लड़की ने, जब लड़के ने इसने सारी गैस खोल दी और सारे चाकू पकड़ लिया, कह रही मैं मार दूंगी जी, यहाँ फूलदान फेंक दिए और मेरे को कहने लगी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप मेरे पे हाथ नहीं उठा सकते। चलो हमने कुछ नहीं कहा इसको, इसकी मैंने FIR लिखाई अपने गांधीनगर चौकी में जी। और ये गांधीनगर चौकी में इसने एग्री करा कि अभी मैं वो जब लड़का आएगा मैं उससे मिलूंगी, अब 10 दिनों के बाद जब इसको बोल के गया था। और इसने उसी समय जाके महिला थाने में प्रेशराइज करके वो अपने आप शादी करी। उस शादी में ना तो लड़का ही अकेला था, ना हमारा घर का था कोई, ना कोई दोस्त था, ना कोई हमारा रिलेटिव था जी। हमने लड़का पे दखल कर दिया जी, और ये जबरदस्ती आती है। और इसकी ये पहले भी इसकी शादी हो चुकी है जी, और फोटो मैंने कलम में जी सारियां दिखा दी जी, और कोर्ट में इसका केस चल रहा है जी। इसने महिला थाने में कबूल कराया कि मेरा 28/10 मेरी डेट लगी है। मैडम कुलबीर कौर ने इसको बोला कि जब आपकी तारीख होगी आप अपनी तारीख पे आओ, अपनी माँ के साथ अपने घर जाओ। ये 4 साल से यमुनानगर में रह रही है जी, ना इसकी नौकरी है ना ये पढ़ती है, सारा दिन ये घूमती है, और 3-4 इनका लड़कियां, इनका स्कैंडल है पूरा जी। हमने कोर्ट में इसका केस दे दिया जी, और जो कोर्ट को मंजूर होगा अगर लड़का रखना चाहता है हमें कोई दिक्कत नहीं जी, ये जाने और लड़का जाने जी। और ये जबरदस्ती अब गेट ऊपर टपके जी, हमने सीटीटी का कैमरे लगवा रखे हैं, सब इसकी रिकॉर्डिंग है जी, ऊपर से टपके अंदर आके ये सामान सारा फेंक के पूरा हंगामा कर रही है जी। ये आपके बीच में जी, हमारे साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ना मैं वो मिला ना मिले, पूरे गवाह किससे पूछ लो वो आया जी। और इसकी इसकी तरीका है, इसने खुद कहा था, और जब इसकी तरीका इसको कोर्ट में मिले अपना जो भी फैसला होगा जैसा करें वो मंजूर होगा। शिखा नाम की लड़की है, वो बोल रही है कि उसने करण नाम के लड़के के साथ लव मैरिज की है, और वो अपने फादर इन लॉ के हाउस में एंटर हुई। तो उनके फादर इन लॉ ने एक एप्लीकेशन दी है कि उसने इलीगल ट्रेसपास किया है, उसके घर से बाहर निकाला है। जो एप्लीकेशन दी है उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी करती जाएगी। लड़का नहीं है, लड़का 15-20 दिन से मिस है, वो इस लड़की से भी नहीं मिला और अपने मदर फादर से भी नहीं मिला। तो लड़के की वेट कर रहे थे कि लड़का आ जाए तो मामला सेटल हो सकता। अब लड़की का क्या किया? लड़की को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लड़की अंदर घर में ही है। तो जो उनके पेरेंट्स फादर इन लॉ ने एप्लीकेशन दी उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी कर दी जाएगी।